जब भारत में टेस्ट क्रिकेट की बात होती है तो बेशक रविचंद्रन अश्विन भारत के सबसे धारदार हथियार साबित होते हैं। अश्विन की फिरकी अक्सर विदेशी मेहमानों पर भारी पड़ती है। कप्तान चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर विराट कोहली, अश्विन टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण का एक बेहद अहम हथियार रहे हैं। विराट कोहली की अगुवाई में अश्विन सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। भारत की कप्तानी में खेले गए कुल 16 टेस्ट मैचों में अश्विन ने भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं। अश्विन ने इस दौरान कुल 654.1 ओवर गेंदबाजी की है और कुल 106 विकेट लिए हैं। उन्होंने 12 बार पारी में 5 विकेट और 4 बार मैच में 10 विकेट भी लिए हैं। अश्विन के बाद नंबर आता है रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने कोहली की कप्तानी में खेले 8 टेस्ट मैचों में 40 विकेट लिए हैं। वहीं अमित मिश्रा ने 7 मुकाबलों में 28 और मोहम्मद शमी ने 9 टेस्ट मैचों में 28 विकेट लिए हैं। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, इस लिस्ट में टॉप 3 पर केवल स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। दरअसल स्पिन हमेशा से भारतीय गेंदबाजी का मजबूत पक्ष रहा है। इसके अलावा ईशांत शर्मा ने 13 टेस्ट मैचों में 23 और उमेश यादव ने 10 टेस्ट में 18 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने कोहली की कप्तानी में केवल 4 टेस्ट मैच खेले हैं और इसमें 13 विकेट लिए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।